हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डिश, स्पेशल डिश बना के दिखा रही हूँ। मेरी रेसिपी का नाम है यमी एग सैंडविच। आज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के आलू और एग और 1 छोटा प्याज और थोड़ा सा धनिया। इसमें ये सब चीज़ें, आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और ब्रेड, आलू इसमें मैंने बॉईल कर लिए हैं पहले से ही, और इनमें धनिया, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला। फ्रेंड्स, मैं मसाले इसमें कम ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मसाले कम ही पसंद करते हैं। इसमें आप जो चाहिए ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हैं। अब इन्हें आप अच्छे से मैश कर लीजिए। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं यह पहली वीडियो बना रही हूँ। मुझे भी उतना ही प्यार दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए। गाइस, मैं ये वीडियो पहली बार बना रही हूँ, कोई मिस्टेक होती है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी है, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक दीजिए। आलू मैंने मैश कर दिए अच्छे से। इन्हें मैश करके साइड में रख दीजिए ढक के। इतना हम एग तोड़ के उनको भी अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें एक बड़ा प्याज काट लें और धनिया और नमक अपने स्वाद अनुसार, मिर्च और हरी मिर्च ऑप्शनली है गाइस। मेरे बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते इसलिए मैंने लाल मिर्च डाली है। एग को भी अच्छे से मैश करके रख लीजिए। को अच्छे से मिला करके अब हम यम्मी एग सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस पर एक पैन चढ़ाइए। इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे या आप अपने स्वाद अनुसार घी भी डाल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब पैन गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। अब हम अपनी एग सैंडविच तैयार करेंगे। Thank you.
इसमें मैंने एक स्लाइस ब्रेड के लिए है, उसके ऊपर हम मैश किए हुए आलू लगाएंगे और फिर अपना मैश किया हुआ एग लगाएंगे। अब हम इसे अपने पैन में सेकने के लिए रखेंगे। ऊपर से भी इसमें आग लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे हमारा पैन भी चिपके नहीं। अब इसे हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेकेंगे। दूसरी साइड से भी ऑयल लगा देंगे। इससे हमारी सैंडविच बहुत अच्छे से बन जाएगी और चिपकेगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सैंडविच तैयार हो चुकी है। ये बीच बीच में मेरा नॉटी बेटा आ जाता है तंग करने। ये हमारी यम्मी एग सैंडविच बनके तैयार हो चुकी है। अब बाकी की सैंडविच भी आप इसी तरह तैयार कर लेंगे। एग कच्चा ना रह जाए इसलिए हमें अच्छे से सेकना पड़ता है। गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। अगर आपके पास हरी चटनी है या सॉस है तो आप उसे भी मिलाकर सैंडविच तैयार कर सकते हैं। इससे और भी यम्मी टेस्ट आता है, चटपटा क्रिस्पी टेस्ट आता है। मैं एक सैंडविच चटनी लगा के भी आपको बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये चटनी मैंने घर में बनाई है। धनिया, लहसुन, अदरक, जीरा और हरी मिर्च डालकर ग्राइंड करके बना लेंगे। चटनी से सैंडविच में और भी चार चांद लग जाते हैं। से भी आप इसी तरह फ्राई कर लेंगे।
गैस की आंच आप मीडियम ही रखेंगे, वरना आपकी सैंडविच जल जाएगी। इस पर भी ऊपर से एग मिक्सचर डाल देंगे। थोड़ा सा घी डालकर इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी बनी है। ऐसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट से मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह हम और बाकी की सैंडविच सेक लेंगे। और ये लीजिए, हमारी यम्मी चटनी वाली सैंडविच भी रेडी है। अब इनको हम कट करके एक प्लेट में सर्व करेंगे। चटनी और सॉस के साथ जैसे भी आप खाना चाहें इसको खा सकते हैं। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, हमारी एग सैंडविच बिल्कुल तैयार है। सॉस और चटनी के साथ खाइए। ये देखिए कितनी यम्मी दिखाई दे रही है। वाओ, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने से। तो अब मैं इसे आपको खा के दिखाऊंगी। ये देखिए, वाओ, बहुत ही टेस्टी बनी है। गाइस, आप अपने घर में बनाएं और खाइए और मुझे बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।